इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने एक स्कैमर को ही स्कैम करके उसे लूट लिया। तो वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को एंजॉय करें लास्ट तक। उससे पहले अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो कहानी शुरू होती है तब जब मैं अपने कुत्ते के साथ मस्ती करके लौटा था। हाँ? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये असली है ये लौंडा। और तभी मुझे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था कि 9,800 रुपये या पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करने पे आपको पर दिन मिलेंगे। एक मामूली सा बंदा जो पर डे 500 भी नहीं कमा पाता वो सीधा मुंह उठा के तो उसके पास जाएगा ही कमाने के लिए। मैं भी चुपचाप मुंह उठा के लिंक पे क्लिक करके चला गया और वहाँ पे मुझे लेके गया एक व्हाट्सएप के एक लड़की के पास, जहाँ पर उस लड़की का नाम आयशा था। मैं भी उससे बात करने लगा कि कैसे मुझे भी बेनिफिट होगा, मैं भी कैसे ही पैसे उड़ाऊंगा। तो बाप का पैसा उड़ा रहा, बाप ने कमाया। बाप का नहीं बे, खुद का। उसने मुझसे कुछ बातें की और मुझे एक लिंक पे भेजा। नौड़ी गाजियाबाद, कोई ना कोई ना, अरे कोई ना करे से बेहतर। उस लिंक पे उसने बोला कि यहाँ पे रजिस्टर करने पे शुरू में 70 रुपये मिलेंगे, उसके बाद भी आपको 200 का रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ऑफर ग्रैब करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको पैसे मिलेंगे। मैंने बोला मेरी तो चांदी चांदी हो गई। उस ऐप को देखे हुए थे, शुरू में जो 70 रुपये दे रहा है वो लगेगा ही नहीं कि साला वो झूठ मूठ का ऐप है, वो सच में लगेगा। ऐसा इंटरफेस उन्होंने बनाया कि मैं कभी जिंदगी में नहीं बना पाऊंगा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। बिल्कुल सही। यह स्कैम करने वालों को भी क्या टैलेंट होता है, साले इतने गजब का ऐप बनाते कि साले खुद से ही बना के कुछ नहीं बैठ पाते, बस स्कैम करने के लिए पैसे लूटने के लिए सबको ऐसे करके जोड़ लेते हैं। उसके बाद भी जब ऐप पे गया और रजिस्टर किया, 70 रुपये मुझे मिले, उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं, मैंने 200 रुपये डाल दिया। बट 200 रुपये जब मैं डाल रहा था तो एक आदमी के पास जा रहा था जिसका नाम मोहम्मद समथिंग करके आ रहा था। तो मैं समझ गया साला भेजता तो कोई कंपनी के पास जाना चाहिए था ना, बट ये तो साला मोहम्मद जा रहा है। ये मोहम्मद कौन है बे? What the fuck is going on here? तो मैं जानता था ये तो है तो ही स्कैम ही, बट एक तरह से लूटने का अलग ही एक प्रोसेस चल रहा है इसका। तो मैं सोचा ना कुछ किया, चुपचाप 200 रुपये डाल दिए ताकि उसको शक न हो। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। उसके बाद भी वो क्या किया कि मुझे वो टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक दिया, जहाँ पे बोला कि मेरे एक कंसेक्यूटिव है जो यहाँ पर, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ से आप बात कर लीजिए। मैं सोचा कि ठीक है बात कर लेते हैं। मैं उसके ऊपर क्लिक करके गया तो साला वो एक आदमी निकला। मैं समझ गया दोनों एक ही बंदा है, फिर भी मैं नाटक कर रहा था साले से कि हाँ भाई ये मेरे पैसे मैं कैसे डालूँ, क्या होगा क्या कुछ समथिंग। मैंने उससे बातें की, एक ही बंदा दोनों भेस में, ये वो आदमी था या औरत या नपुंसक था समझ नहीं आ रहा था। पैसे डालने के बाद मुझे 2 ऑफर ग्रैब करने के लिए बोला, मैं 2 ऑफर ग्रैब किया, मेरे 200 रुपये 405 रुपये हो गए। What? 405 रुपये भाई, अपनी तो चांदी हो गई, पैसा ही पैसा हो गया। उसके बाद भी मैंने सोचा कि चलो अब पैसे को रिडीम करना है, कैसे रिडीम करूंगा क्या करूंगा मुझे तो पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे बोला मेरे 405 रुपये हो गए, अब मैं क्या करूं। उसने बोला बैंक अकाउंट ऐड कर लो और उसके बाद भी उसे ट्रांसफर कर लो, 20 मिनट में बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। मैं भी सोचा वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैंने भी पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसे बोल दिया मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए अब मुझे पैसे दे दो। तो उसने क्या किया, बोला 20 मिनट में आपको पैसे आ जाएंगे। मैं भी वेट करने लगा, वेट करते करते मेरे पैसे आ गए। उसके बाद वो बोलता है कि भाई आप परमानेंट रहना चाहते हो या फिर यहाँ पे ही रुकना चाहते हो। तो भाई किसी को बेनिफिट हो वो क्यों नहीं करना चाहेगा, उसे तो पैसे ही पैसे चाहिए। ऐसे करके वो स्कैम करके लूटते हैं। तो उसने मुझे ऑफर दिया कि हाँ 300 का उतना कम है, लेकिन अब इसके बाद भी आपको 1000 का 1300 मिलेगा, 2000 का 2200, ऐसे करके और भी ऑफर थे बहुत ज़्यादा। बट मैं तो था नल्ला, मैं भी बोला कि भाई मेरे पास अब पैसे ही नहीं है। अब उसे कोई क्या शक हो रहा है, उसे लग रहा है कि पैसे तो होंगे क्योंकि मैंने तो एक ही बार में रिचार्ज करके उसे डाल दिया था उस पर यकीन करके। अब वो बेचारा शांति से बैठ के सोच रहा है। उसके बाद भी वो बोलता है कुछ देर के बाद, ऑल राइट। No.
मैं समझ गया कि साले ने समझ गया कि हाँ मैं तो कुछ इसको ठग लिया हूँ, तो मैं उसे ब्लॉक करके चुपचाप निकल लिया। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो इसका मतलब वीडियो पसंद आ ही गई, तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये सब जो फालतू मैसेजेज हैं, ये सब मैसेजेस को इग्नोर ही करना, ये लोग बस लूटेंगे। विशिंग यू ऑल यू हैप्पी न्यू ईयर, और सब्सक्राइब करके जाना बे। नहीं। उन्ते नंती मोतो को मचम, उन्ते कौन मारा 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 मेरा माते, समो पचा पिस्टन पचा बलो पचा मुख पचा आ।